देते हैं। तो आज चलिए फिजिक्स की क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पे पिछले दिन यानी कल हमने प्रतिरोध के बारे में बता रहे थे कि अगर किसी विद्युतीय उपकरण में एक से ज्यादा प्रतिरोध हमको जोड़ना हो तो जोड़ने का स्टाइल हम दो तरीका का बताया था, जिसमें एक बताए थे श्रेणी क्रम और दूसरा बताए थे समानांतर क्रम। इतना सब लड़कन समझ गया था कौन कौन क्रम बताए थे, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। कॉपी निकाल लीजिएगा आप लोग सभी लड़के। अब श्रेणी क्रम सम्मोहन किसको कहते हैं, समानांतर क्रम किसे कहते हैं, उसका फिगबाई डायग्राम वह कल आप लोगों को समझाए थे। लेकिन अब हम लोग को दे देता है, मान लेते हैं कि किसी दुख मने बिजली मिस्त्री के यहां टीवी ले गया, रेडियो ले गया है या कोई और यंत्र ले गया और उसमें एक से ज्यादा प्रतिरोध लगा हुआ है, कहीं पे मान लेते हैं दो गो तीन गो चार गो प्रतिरोध जुड़ल है। अब उसी टीवी को दूसरे मिस्त्री के पास ले आ रहे हैं, वह मिस्त्री देखा कि यहां पर चार पांच गो प्रतिरोध लगल है, जहां पर एक गो प्रतिरोध लगना चाहिए वहां पे चार पांच प्रतिरोध लगल है। वह मिस्त्री सेकेंड मिस्त्री क्या करता है, वह सभी प्रतिरोधों को हटा देता है, उसको नोच करके फेंक देगा, कहेगा तुम्हें क्या कि एक तो खराब हो गया जी, इतना ऐसा जंजाल हो गया है जी, चलिए इसके जगह पर हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं जो सबके बदले में अकेले काम करेगा। तो वो सबके बदले में अकेले काम करेगा, उसी प्रतिरोध की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो इसके पहले सभी बच्चे आप लोग जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब हम लोग इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आगे बढ़े हम। बोलिए जी लड़के लोग। हाँ तो चलिए आप लोग जवाब में हाँ है तो हम चले शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने कह रहे थे कि अगर किसी रेडियो या टीवी में जहां एक प्रतिरोध लगना चाहिए, अगर कोई मिस्त्री मजबूरी में तीन चार गो प्रतिरोध लगा दिया है, तो आप चाहें तो सभी प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध लगा सकते हैं, जो सभी प्रतिरोधों के बदले में अकेले काम कर रहा है। तो विद्युत परिपथ में अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगल है और सबको हटाकर तुम एक गो लगा रहे हो जो सबके बदले में अकेले काम करेगा, तो उसी प्रतिरोध का नाम है तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध। कौन प्रतिरोध है, तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध, जो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के बदले में अकेले काम करता है। तो वहां पे चलिए हम एक प्रतिरोध लगा करके काम ले सकते हैं। अब तुमको कहेगा कि तब चलिए कहां पर हम बताओ कि तुल प्रतिरोध है कैसे काम करेगा, कौन जगह श्रेणी क्रम में लगाएंगे, कब समानांतर क्रम में उसको लगाना पड़ता है। तो याद कीजिएगा कि अगर विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगल है और तुम चाहते हो कि इस सब के बदले में अकेले एक वो काम करे, तो सभी को जोड़ लीजिए आप, दो ओम है, तीन ओम है, पांच ओम है, जो भी है। तो अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगल है तो समझो कि तुल प्रतिरोध जो होगा वो सभी प्रतिरोधों से बड़ा प्रतिरोध होगा, मतलब सबको जोड़ करके अकेले वो लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देखिए हम बताए हैं कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है तब तुल प्रतिरोध का मान जो होता है वह अन्य सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है, अर्थात सबको जोड़ करके जितना आएगा उतना ही तुल प्रतिरोध का मान होगा। बात समझ गए,
अगर देख रहे हैं कहीं पर मानते हैं 4-5 को प्रतिरोध लगल है, कितना कितना का लगल है वो सब को जोड़ लीजिए, और जोड़ करके जितना आता है उतना एक वो अकेले लगा दीजिए, तो चलिए वो सब के बदले में काम करना शुरू कर देगा। तो अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ल है तो जान जाइएगा वहां तुल प्रतिरोध का जो मान होगा अन्य प्रतिरोध से वो हमेशा बड़ा होगा। कभी कभी याद करते हैं बड़ा छोटा की बात, तो यहाँ पर याद करना है बड़ा वर्ड चुनाव व्यक्ति में ये अधिक होता है या बड़ा होता है। लेकिन अगर प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ल है और समानांतर क्रम में प्रतिरोध 3 गो 4 गो 5 गो लगल है और सबको हटा करके एक तुल प्रतिरोध लगा रहे हो, तो वह तुल प्रतिरोध का जो मान होगा वो अन्य सभी प्रतिरोधों के मान से कम होगा या छोटा होगा। यहां पर याद करना है कम या छोटा। कब? अगर प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगल है। कौन क्रम में? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में लगल है, अब उससे हमको ऐसा करना है कि सबसे कम हम कर देना है। अब 2, 3, 4, 5 है, अब चाहता है कि सबसे कम 2 से भी कम होना चाहिए प्रतिरोध यहाँ पे, तो यहाँ पे याद कीजिएगा कि समानांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। अगर समानांतर क्रम में प्रतिरोध तुम जोड़ देते हो तो उस हालात में समतुल प्रतिरोध का मान जो होगा अन्य जितना भी प्रतिरोध है वो सबसे छोटा हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बता रहे थे बराबर कि घर में जितना भी उपकरण है, जितने भी बल्ब हैं, वह सब हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में? समानांतर क्रम में। इसलिए कि समानांतर क्रम में अगर जोड़ देते हो तो सब का जो तुल प्रतिरोध होगा वो सबसे कम हो जाएगा, और कम जब हो जाएगा तो सभी उपकरण को, सभी बल्ब को पर्याप्त मात्रा में करंट मिलेगा। असमय है, इसलिए हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दीजिएगा तो फिर जो बताओ आज जो फर्स्ट बल्ब होगा उसको ज्यादा लाइट मिलेगा, माने विद्युत मिलेगा, और जो अंतिम में हो जाएगा उसको सबसे कम करंट मिलेगा, क्योंकि सबसे पीछे जो बल्ब लगाया है उसके लिए आपका तुल प्रतिरोध भुगतना पड़ेगा। इसलिए देखता है विद्युत परिपथ में कहीं पे टोका फंसाता है, तो मानते 10 गो घर है और 9 गो टोका लगाते चले गए, माने 9 जगह प्रतिरोध लग रहा है वो भी श्रेणी क्रम में, तो जो सबसे लास्ट घर 10वां घर होगा वहां पर उतना करंट नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट घर वाला को करंट मिलेगा। इसलिए देखता है माने कहीं पर तुम्हारे मोहल्ले में अगर बिजली का तार गया हुआ है और बीच रास्ता में कोई टोका फंसाता है तो उसको कानूनन जुर्म माना जाता है, उसको पनिशमेंट की जाती है, दंडित की जाती है। बात समझ गए? तो यहाँ श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में कब जोड़ना चाहिए, तुल प्रतिरोध और क्यों जोड़ना चाहिए, ये बात समझ गए। अगर तुल प्रतिरोध को बड़ा करना है श्रेणी क्रम होगी, अगर तुल प्रतिरोध छोटा हो गया समानांतर समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछ देता है या एग्जाम में कि श्रेणी क्रम समूहित मात्र विद्युत परिपथ है उसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया, श्रेणी क्रम समूहित प्रतिरोधों के लिए यानी तुल प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। कल जो देखिए फिगर हम बनाए थे डायग्राम दिख रहा है कॉपी पर कि मात्र R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिए थे, अब कहता है सब के बदले में जो तुल प्रतिरोध जो R का फॉर्मूला जो निकाले हैं R1 + R2 + R3 + R4 अब कहेगा कि इसको सिद्ध करके दिखलाइए या प्रूफ कीजिए ये व्यंजक कैसे फॉर्मूला आया। तब कल का जो डायग्राम बनाए थे वह डायग्राम फिर हम बनाएंगे, लेकिन जो कल बताए थे डायग्राम में वह चीज को यहाँ पर लिखिए। कल देखिए फिगर देखिएगा सब कारण की वहां पर यही लिखा है, माना कि R1 R2 R3 R4 जो लेना ले लीजिए, हम 3 गो लेकर चले हैं R1 R2 R3 प्रतिरोध कौन कौन बिंदु है वहां पर लिखन देखिए A B C एवं D बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम में समूहित है। और क्या फिगर मानते A B C एवं D बिंदुओं का विभव माना था देखिए फिगर में DA BB BC BD है,
मानते कर ले। और क्या माने थे? सभी प्रतिरोध से करंट जा रहा था कितना? आई माना था। विद्युत धारा का मान माने थे आई, लेकिन सभी प्रतिरोधों से आई धारा प्रवाहित होता हो और कुल प्रतिरोध आपका है आर, तब यही आर का फॉर्मूला निकालना है कि आर बराबर इतना कैसे आया, जिसको हम अगले क्लास में फिर सिद्ध करेंगे, फिगर भी बनाएंगे और सिद्ध करके आप सभी बच्चों को दिखाएंगे कि तुल प्रतिरोध का फॉर्मूला इतना कैसे आया। पास में तो इतना समझ गए होंगे, इसमें जो जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं उनको याद कर लीजिएगा और फिर अगले दिन का हम लोग इंतजार करेंगे। तब तक आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, धन्यवाद।